मैं तो सेवा के लिए आई हूँ, तो सेवा तो इतनी तो करने दो, बस दो बार ऐसे करूंगा कि तो ये भी नहीं। कहते फिर कुछ तो बताओ क्या सेवा। लक्ष्मण जी ने पंडा छुड़ाने के लिए कहा कि जैसे मैं यहाँ जाग रहा हूँ, ऐसे अयोध्या के कमरे में एक बैठ करके सीता माता की बहन उर्मिला मेरी पत्नी वो जाग रही है, वो भी सोई, बोलो ना। तो तुम्हें कैसे पता? अरे वो आरती का थाल लेकर मेरे पास आने लगी थी, जब मैं आने लगा तो मैंने उनको भगा दिया, कहा जाओ टाइम नहीं है आरती उतरवाने का। तो आज्ञाकारिणी मेरी पत्नी उर्मिला फिर महल में लौट गई कहते हुए, जाओ ये जो दीपक जल रहे हैं इन दीपकों को अखंड रखूंगी, 14 वर्ष के बाद जब आप आएंगे तब मैं आपकी आरती उतारूंगी। निर्णय समर्पण लक्ष्य समझ में आए तो कथा समझ में आ जाती है, ईश्वर निकट हो जाते हैं, भगवान नजदीक। कहती हूँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मेरे पास राम है इसलिए मुझे थकान नहीं है। वहाँ राम ना होने से शायद उसके थकान हो गई होगी, तुम उसकी थकान दूर करो, वो भी मेरा ही एक अंग है, आधा अंग है, उसको विश्राम मिलेगा तो समझो मेरी सेवा हो गई। कहते ठीक है मैं जाती हूँ करके निद्रा तो अदृश्य हो गई, लेकिन ये जो संवाद हो रहा था, बाहर बात हो रही थी निद्रा देवी और लक्ष्मण जी की, वो कथा के कुटिया के अंदर सीता माता जाग गई सुनकर, पूरी कथा सुनी। जब ये सुना कि जाओ उर्मिला वहाँ दीपक जला करके उन्हें अखंड रख रही है, जाग रही है, राम के मां न होने से उसे थकान हुई होगी, जब ये बात सुनी तो सीता माता रोने लगी और राम जी को जगाए। उत्तिष्ठ नर शार्दूल बहिर्वार्ता प्रवर्तते, हे नरसिंह जागो, बाहर बात हो रही है। कहाँ बात हो रही है? कहते लक्ष्मण जी के मन में ऐसा है कि अयोध्या में आपके हमारे ना होने से उर्मिला थक गई होगी, बड़ी क्लेश में होगी, तो तुम क्या चाहती हो? जानकी जी ने कहा देखो स्वामी आप तो ईश्वर हैं, हम आप तो सर्वव्यापक हैं, ये तो लीलाएं हैं, एक लीला और कर देते हैं क्या? क्योंकि हम उर्मिला के सामने प्रकट हो जाते हैं, जहाँ उर्मिला तपस्या कर रही है वहाँ प्रकट हो जाते हैं, और हमारे प्रकट होते ही उसे विश्राम और आनंद मिल जाएगा, हमारा क्या जाता है, हम तो सर्वव्यापी हैं। व्यापक सर्वत्र समाना, बोलो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और सीता जी ने कहा कि स्वामी हमारे भक्तों की थकान मिटाने कोई और क्यों जाए, निद्रा देवी क्यों जाए, अपने भक्तों की थकान तो हम ही मिटाएंगे।